आज का टॉपिक है वनस्पति संग्रहालय या हर्बेरियम। पौधों और उनके विभिन्न भागों को हर्बेरियम शीट पर चिपकाकर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। चिपकाने से पहले पौधों और उनके भागों को विशेष विधि के द्वारा सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें दबाया जाता है। पौधे के सरस भागों को 4% फार्मलिन घोल में डुबोकर एक सीसी में भरकर रखते हैं, जिससे कि ये खराब नहीं होते हैं और इनमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और एक लंबे समय तक पौधे के वो भाग ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे सभी स्थान जहाँ पर पौधे अथवा पौधों के विभिन्न भागों को संरक्षित सुरक्षित करके रखा जाता है, ऐसे स्थानों को हम वनस्पति संग्रहालय या हर्बेरियम के नाम से जानते हैं। भारत में अनेक वनस्पति संग्रहालय बनाए गए हैं, जिनमें से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम FRI के नाम से भी जानते हैं, ये देहरादून में स्थित है। हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये कोलकाता में स्थित है। हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये लखनऊ में स्थित है। और इसी तरह से अन्य बॉटनिकल गार्डन भी स्थापित किए गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वनस्पति संग्रहालय का उद्देश्य क्या है, क्यों इन्हें बनाया जाता है। तो वनस्पति संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य होता है अध्ययन। एक ही स्थान पर कई प्रकार के पौधों का अध्ययन, ऐसे पौधे जो विलुप्त हो चुके हैं या जो विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं, तो हमें उनके बचे हुए अवशेष या पौधे के विभिन्न भागों जिन्हें परिरक्षित करके रखा गया, सुरक्षित करके रखा गया है, तो उस स्थान पर संग्रहालय में जिन भागों को सुरक्षित करके रखा गया, वहां जाकर हम उनका स्टडी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार नए लक्षण मिलने पर नए खोजे गए पौधों को वर्गीकरण में नया स्थान प्रदान होता है। अब यदि हमें विद्यालय स्तर पर या अन्य स्तरों पर वनस्पति संग्रहालय तैयार करना हो, तो उसमें किस सामग्री की या कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है वो देखते हैं। ये उपकरण होते हैं कैंची, चाकू, नमूनों को रखने हेतु वैस्कुलम नामक एक बॉक्स, अखबार, पादप प्रेस, लेंस आदि। हर्बेरियम सीट तैयार होने के बाद उसके दाहिनी ओर कुछ जानकारी लिखते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से हम उसका पूरा डिटेल लिखेंगे पौधे का। सबसे पहले संग्राहक का नाम, यानी जिसने इसे एकत्रित किया है उस व्यक्ति का नाम। संग्रह दिनांक, इसमें दिनांक डाली जाएगी कि कब आपने इस हर्बेरियम को तैयार किया। पौधे का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम जो होता है पौधे का, वो लिखेंगे। पौधे का स्थानीय नाम, जिसे सामान्य भाषा में उस पौधे को वहाँ पर क्या कहा जाता है वो लिख देंगे। कुल का नाम, फिर स्थान, उपयोग और पहचान के लक्षण। ये सभी लिखने के बाद हमारी हर्बेरियम सीट तैयार हो जाती है।